नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम चाइना द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किए गए रीयूजेबल रॉकेट के बारे में बात करेंगे कि चाइना के इस रीयूजेबल रॉकेट को कब टेस्ट किया गया, इस रॉकेट का क्या नाम है, इस रॉकेट की लंबाई क्या है और ये रॉकेट अपने परीक्षण के दौरान कितने मीटर की ऊंचाई तक गया। इसके अलावा दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर हमें रीयूजेबल रॉकेट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इत्यादि सवालों के जवाब को समझेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले रीयूजेबल रॉकेट बनाने का विचार स्पेस एक्स कंपनी के फाउंडर इलॉन मस्क के दिमाग में आया और दोस्तों लगातार 3 असफल परीक्षणों के बाद उनका चौथा परीक्षण बिल्कुल सफल रहा और स्पेस एक्स के फाल्कन 1 ने इतिहास रच दिया। और दोस्तों दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे इसरो और नासा ने जो नहीं कर पाया था उसे एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी ने कर दिखाया था। अब दोस्तों स्पेस एक्स के रास्ते पर ही शनिवार यानी 10 अगस्त की सुबह चाइना की पहली प्राइवेट रॉकेट कंपनी लिंक स्पेस ने रीयूजेबल रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और रिपोर्ट के मुताबिक ये चाइना द्वारा विकसित किया गया अभी तक का सबसे लार्जेस्ट और सबसे एडवांस्ड रीयूजेबल रॉकेट है और इस रॉकेट का नाम है RLV-T5। और दोस्तों इस रॉकेट की लंबाई है करीब 8.01 मीटर और अपने परीक्षण के दौरान ये रॉकेट 300 मीटर की अपने निर्धारित ऊंचाई तक जाकर वापस सेफली लैंड होने में कामयाब रहा है। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें लिंक स्पेस कंपनी के ऑफिसर्स का कहना है कि चाइना के रीयूजेबल रॉकेट की रिसर्च में यह एक नया माइलस्टोन है। अब दोस्तों हमारे सामने ये सवाल निकल कर आता है कि आखिर हमें रीयूजेबल रॉकेट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ने लगी। तो देखिए दोस्तों किसी भी सामान्य रॉकेट में 3 भाग जरूर होते हैं, बूस्टर रॉकेट, मेन रॉकेट और सैटेलाइट। अब दोस्तों जैसा कि किसी भी रॉकेट को उसके लॉन्चिंग पैड से लॉन्च किया जाता है तो बूस्टर रॉकेट ईंधन को जलाकर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड का वेग यानी प्लाइन वेग दे देते हैं। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें किसी भी वस्तु को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकालने के लिए उस वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड का वेग देना होता है जिसे पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब दोस्तों जैसे ही मेन रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाता है तो बूस्टर रॉकेट मेन रॉकेट से अलग हो जाते हैं और कुछ समय बाद मेन रॉकेट भी सैटेलाइट को उसकी कक्षा में पहुंचाने के बाद उससे अलग हो जाता है। दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में रॉकेट का कोई भी हिस्सा हम दोबारा से उपयोग नहीं कर पाते जिस कारण हमारा समय और पैसा दोनों ही खर्च होता है। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें किसी भी सामान्य रॉकेट के लॉन्चिंग में करीब 8 से 10 मिलियन डॉलर का खर्च आता है, लेकिन दोस्तों रीयूजेबल रॉकेट में हम बूस्टर रॉकेट और मेन रॉकेट का इस्तेमाल दोबारा से कर पाते हैं जिससे हमारे समय के साथ साथ पैसे की भी बचत होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रीयूजेबल रॉकेट काम कैसे करता है तो इस पर हमने एक पहले से ही वीडियो को बना रखा है जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।